क्यों ना 27 तारीख को रख। और आज जो तारीख है, नहीं क्या, आज की 25 तारीख है, तो 25 तारीख को जो हमारा वही विषय क्यों ना लिया जाए। तो उन्होंने मुझे हाँ भी बोला था, लेकिन ऐसी कोई ये नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी सब्जेक्ट पर मैं बोल सकता हूँ और ये भी सब्जेक्ट पर बोल सकता हूँ, लेकिन अभी उन्होंने जो जिक्र किया है कि कल का सब्जेक्ट है कंटिन्यू किया जाए, तो मैं कल का ही सब्जेक्ट कंटिन्यू करता हूँ। तो कल का सब्जेक्ट आप सभी को मालूम है, नहीं क्या, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच में तुलना। और ये दोनों धर्म में इसलिए तुलना मतलब बाबा साहब ने की है क्योंकि हम बौद्ध धर्म के भविष्य के बारे में जो चिंतन कर रहे हैं, और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के भविष्य की जो बात उस लेख में की थी, तो भारत को मध्य रख कर ही की थी। और उसीलिए फिर भारत में जो प्रचलित धर्म है, वो प्रचलित धर्म कुछ 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 सालों पहले बौद्ध धर्म था, और आज अगर देखा जाए वैसा वो प्रचलित नहीं है। उस पर भी मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि भी उस पर भी मैंने कुछ बोलना चाहिए, हैं? लेकिन कुछ मर्यादा भी आ रहे हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले बोधि प्रकाश जी बोले हैं कि कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं, ऐसा ऐसा वातावरण है वगैरह वगैरह। तो उसलिए भी मुझे भी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा भी मुझे लग रहा है, और मैं करने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन ऐसा जब मैं करता हूँ और करने के बारे में सोचता हूँ, तो जैसे अभी 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 बोधि प्रकाश जी ने बताया, वैसा अगर उस दृष्टि से अगर विचार किया जाए, तो बाबा साहब ने ये लिखा है, नहीं क्या, और उनकी किताबों में भी ये है। हम तो सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, बाबा साहब ने तो किताबों में लिखा है, ये लेख में भी लिखा है और किताबों में भी लिखा है। तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, तो हमको क्यों प्रॉब्लम आएगा, नहीं क्या। और फिर ऐसा सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ बातें तो खुले दिल से बोलना भी चाहिए। तो ठीक है, तो बाबा साहब ने इस लेख में जो जिक्र किया है, और अन्य धर्मों का उन्होंने जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं जैसे कल बताया वैसे ही कि ये जो बात है, ये जो तुलना हो रही है, और ये तुलना में बाबा साहब ने जो चार बातें बताई है, ये चार चार बातें अन्य धर्मों को भी लागू होती है, नहीं क्या। ये जो चारों बातें जो बाबा साहब ने इस तुलना में बताई है, तो ये चारों बातें केवल बौद्ध धर्म को ही लागू नहीं होती है, हिंदू धर्म को ही लागू नहीं होती है, तो भारत में अन्य जो धर्म है वो धर्मों को भी लागू होती है, और विश्व में जितने धर्म है वो धर्मों को भी ये बात चार बातें लागू होती है। और उसलिए ये चारों बातें बाबा साहब ने अपने उस लेख में निर्माण की थी, और उसके बारे में उन्होंने उसका उन्होंने जिक्र किया था। तो कल थोड़ा मैंने ये बताया, अभी आपने भी मुझे सुनाई है कल, कि उन्होंने ये उसमें बाबा साहब ने पहले मुद्दे में ये बताया था कि कायदा और शील, या सदाचार या कानून और शील या सदाचार नीतिमत्ता। तो ये दोनों के बारे में मैं कल थोड़ा सा बताया भी हूँ, और उसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बोधि प्रकाश जी ने अभी भी बताया, एक दंड मार्ग है, नहीं क्या, कायदा दंड मार्ग से अमल में लाया जाता है, और ये जो सदाचार है या सील है, तो ये सील आचरण का हिस्सा है, और वो अपने आप उसका आचरण किया जाता है। वो उसका आचरण करने के लिए कोई किसी पर बोझ नहीं, दबाव नहीं रहता है, और कोई उसको उसके मुताबिक आचरण करो, ऐसा उसको किसी को कोई किसी को मजबूर भी नहीं करता है। तो ये जो सीलों का आचरण है, ये सीलों का आचरण व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, और स्वयं निर्णय लेकर वो उसका आचरण करता है। तो ये पहली बात बाबा साहब ने जो बताई है, ये देखने के लिए अगर हम जाते हैं, तो हमको ऐसा दिखता है कि हिंदू धर्म सदाचार के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। हिंदू धर्म केवल कर्मकांड, नहीं क्या, पशु पशु हिंसा और यज्ञ, इन बातों के बारे में ही जिक्र करता है।
और सदाचार के बारे में या सील के बारे में तो वो सिर्फ जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तभी उसके बारे में वो चिंतन करता है, विचार करता है। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा है कि जो सील, जिसकी शुरुआत सील से होती है और उसका अंत भी सीलों से होता है। बौद्ध धर्म ने पूरी शक्ति किस पर अपनी केंद्रित की है? बुद्ध धर्म ने अपनी पूरी शक्ति सीलों पर केंद्रित की है। और बुद्ध धर्म में हम देखते हैं, पूरा बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद में हमको ये दिखाई देता है कि बुद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है या भगवान नहीं है। तो ईश्वर के जगह पर बौद्ध धर्म में हमें यह देखने को मिलता है कि ईश्वर की जगह बौद्ध धर्म ने धर्म में सदाचार ने ली है, सील ने ली है, नीतिमत्ता ने ली है। तो इस तरह से यही बात केवल हिंदू धर्म को ही लागू नहीं होती है, तो विश्व के अन्य धर्मों को भी लागू होती है। और पहले दिन हमने जिन चार धर्मों की धर्म के बारे में चिंतन किया था, चारों भी धर्म कैसे है, तो वो चारों धर्मों में ये हमको देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने आप को, नहीं क्या, वो धर्म के जो संस्थापक है उन्होंने अपने आप को एक विशिष्ट रूप से पेश किया है। बुद्ध ने लेकिन अपने आप को विशिष्ट रूप से पेश नहीं किया है, तो उसने एक आदमी की हैसियत से अपने आप को पेश किया है। तो आगे बाबा साहब दूसरा मुद्दा इसमें उपस्थित करते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की जब तुलना वो करते हैं, तो तुलना में वो यह बताते हैं कि जो धर्म है, चाहे वो कौन सा भी धर्म है हो, वो विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। धर्म विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। और विज्ञान पर आधारित होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि धर्म में जो कुछ भी बातें बताई गई है वह बातें तर्क और विवेक पर सिद्ध होनी चाहिए। तर्क और विवेक करके उसमें क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है, ये अगर ढूंढ के निकालते हैं, तो ये ढूंढ के निकालने के बाद में धर्म जो बात पर अपना पूरा लक्ष्य केंद्रित करता है वो बात सत्य है या नहीं है, और ये सत्य है या नहीं है ये कैसे हम देख सकते हैं, तो ये हम तर्क और विवेक का उपयोग करके देख सकते हैं। और तर्क और विवेक करके धर्म ने जो बात बताई है वो अगर सत्य साबित होती है तो उसको स्वीकारना चाहिए, ऐसा विज्ञान बोलता है, और जो सत्य साबित नहीं होती है न होता है उसको त्याग देना चाहिए, ऐसा भी विज्ञान बोलता है। और विज्ञान के बारे में ऐसी भी बात है कि बुद्ध धर्म ही नहीं, तो जितने भी धर्म है वो धर्म विज्ञान के कसौटी पर खरे उतरने चाहिए, और उसने विज्ञान को ये देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, या वो विज्ञान की कसौटी पर सही उतरना चाहिए। लेकिन हम अगर देखने के लिए देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो बातें बताई है वो विज्ञान के आधार पर सही साबित नहीं होती है, और बुद्ध धर्म में जो बातें बताई है वो बातें विज्ञान के आधार पर सही होती है। तुलना में मैं एक ही बात बताने का प्रयास करता हूँ, नहीं क्या, तो सृष्टि के निर्माण के बारे में हिंदू धर्म में जो बात बताई है वो विज्ञान के आधार पर सही साबित नहीं होती है, और बुद्ध धर्म में सृष्टि के निर्मिति के बारे में जो बात कही है वो बात विज्ञान के आधार पर सही साबित होती है, नहीं क्या। तो बुद्ध ने इस सृष्टि की निर्मिति कैसी हुई इसके बारे में जो बताया है वो बात सही में सही है, कि कोई भी कसौटी अगर हम उसको लगाते हैं, तर्क भी अगर लगाते हैं, तो वो बात सही साबित होती है। तो मैंने इसके भी बारे में मेरे एक प्रवचन में, मेरे अभी ये जो श्रृंखला है इस विषय की, इसमें मैंने ये भी इसके पहले बता चुका हूँ कि बुद्ध ने सृष्टि के निर्मिति के संबंध में जो कहा है वो सही है, और वो उन्होंने क्या कहा है, तो विश्व की निर्मिति बुद्ध ने ऐसे बताया है कि वो विश्व उत्क्रांत हुआ है, और विश्व में उत्क्रांति की प्रक्रिया कई सालों से शुरू हुई है और कई सालों से चल रही है, और आगे भी जब तक विश्व रहेगा तब तक ये उत्क्रांति की प्रक्रिया जारी रहेगी, ऐसा बुद्ध ने बताया, और ये सही बात है, नहीं क्या।
अगर हजारों साल पहले मनुष्य के जीने का जो तरीका है वो तरीका अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो उसका हजारों सालों पहले उसके जीने का तरीका अलग था, आज के व्यक्ति का जीने का तरीका अलग है और आगे वाले समय में व्यक्ति के जीने का तरीका अलग होगा, है कि नहीं? तो ये इसको ही हम उत्क्रांति बोल सकते हैं, नहीं क्या? और उत्क्रांति के संदर्भ में मैंने ये भी बताया था कि जहाँ हवा है, पानी है और तेज है या उष्णता है, एनर्जी है, तो ये तीन बातें जहाँ जहाँ भी है इस विश्व में, जहाँ जहाँ भी ग्रह है या मतलब ग्रह ही बोल सकते उसको, तो जितने भी ग्रह इस ब्रह्मांड में है, अब ये ब्रह्मांड शब्द भी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये ब्रह्मांड शब्द का संबंध तो हिंदू धर्म से आता है, तो ये ब्रह्मांड कैसे बोल रहे हैं, तो वो मेरा शब्द मैं पीछे ले लेता हूँ, लेकिन इस सृष्टि में ब्रह्मांड की जगह पर मैं सृष्टि बोलता हूँ अभी, तो इस सृष्टि में जितने भी ग्रह है और वो ग्रहों में से जहाँ पे ये तीन चीजें है वहां पे ही जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि बोल रहा हूँ मैं अभी, तो वहां पे ही जीव सृष्टि है, और जिन जिन ग्रहों पर ये तीन चीजें नहीं है, हवा, पानी और उष्णता, वहां पर जीव सृष्टि नहीं है। हमने इसके बारे में भी सुना भी है, पढ़ा भी है, यान अभी भी कई ग्रहों पर जा रहे हैं और वहां वहां क्या है वो उसका खोज कर रहा है, ग्रहों के माध्यम से किया जा रहा है, और वहां पे जीव सृष्टि की निर्मिति हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसके बारे में भी अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ये जो सब बातें हैं तो ये विज्ञान के आधार पर सिद्ध होती है। फिर भी बुद्ध धर्म में विज्ञान को और अच्छी तरह से बताने की जो बात कही है वो बात मैं अभी इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। बुद्ध धर्म विज्ञान से कैसा सुसंगत है, नहीं क्या? बुद्ध धर्म विज्ञान से कैसा सुसंगत है इसके बारे में बौद्ध धर्म में एक सूत्र बताया है, उसको सूत्र बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भवचक्र की जो शिक्षा है, नहीं क्या, ये भवचक्र की शिक्षा भी उससे मिलती जुलती है, तो उसमें क्या बुद्ध क्या बोलते हैं, तो बुद्ध वो विज्ञान है जो बोल रहे हैं, बुद्ध जो बोल रहे हैं वो विज्ञान है, तो वो क्या बोलते हैं, तो ये वो यह बोलते हैं कि कारण है तो परिणाम है, कारण है तो परिणाम है, कारण नहीं तो परिणाम नहीं, उसे ही बौद्ध तत्व ज्ञान में या बौद्ध धर्म में कार्य कारण प्रक्रिया बोला जाता है या कार्य कारण परिणाम भी बोला जाता है। तो ये जो कार्य कारण परिणाम है जो भगवंत ने बताया है और ये कार्य कारण परिणाम जो भगवंत ने बताया है ये विज्ञान है, ये विज्ञान से सुसंगत है, इससे ही विज्ञान की निर्मिति हुई है, ऐसे आइंस्टाइन ने बताया है। आइंस्टाइन नाम के एक शास्त्रज्ञ है और उन्होंने इसके बारे में ये कार्य कारण परिणाम के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण भी किया है और वो शोधकर्ता है, आप सभी को मालूम है इसका नाम, कई लोगों ने सुना है। तो आइंस्टाइन भी यही बात बताते हैं, कार्य कारण प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरह से वो बताते हैं। तो ये बात बहुत ही हर लोगों को भाती भी है कि जो कुछ भी विश्व में हम देखते हैं, विश्व की बात छोड़ दीजिए, हमारे जीवन के बारे में भी हम जो कुछ भी देखते हैं, जिस परिस्थिति में अभी हम जीवन जी रहे हैं, तो वो जिस परिस्थिति में हम जीवन जी रहे हैं उसका परिणाम कार्य कारण भाव है। हमने पहले कर्म किया था, वो कर्म का परिणाम अभी हम भोग रहे हैं। हो सकता है अभी हम दुख की अवस्था में अगर जी रहे हैं तो उसका परिणाम हमारा अकुशल कर्म है भूतकाल में जो हमने किया है वो, और अभी अगर हम सुख की अवस्था में अगर जी रहे हैं तो उसी का भी कारण हमारे भूतकाल में किया गया कर्म है। हो सकता है हमने भूतकाल में कुशल कर्म किए होंगे, उन कुशल कर्मों का परिणाम अभी हम सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो सुख या दुख जो हम अभी हम हमारे जीवन में जी रहे हैं उसका अनुभव कर रहे हैं, तो उसके लिए कारण है, और उसके लिए कारण क्या है, तो वो कारण है हमारा कर्म, नहीं क्या? तो ये जो कर्म सिद्धांत भी है, तो ये कर्म सिद्धांत भी विज्ञान से ही जुड़ता है, नहीं क्या? कर्म है तो परिणाम है,
नहीं क्या, कर्म नहीं तो परिणाम नहीं। कुशल कर्म का परिणाम सुख है और अकुशल कर्म का परिणाम दुख है, तो ये भी एक विज्ञान है। और ऐसी विज्ञान मिलने जुलने वाली और विज्ञान से सुसंगत बातें ही बुद्ध ने अपने धम्म में बताई है। बुद्ध ने विज्ञान के सिवाय दूसरी बातें नहीं बताई है। बुद्ध ने अपने धर्म में व्यक्ति गुमराह होगा, नहीं क्या, व्यक्ति गुमराह होगा ऐसी कोई भी बात उस बुद्ध ने अपने धर्म में नहीं बताई है। बुद्ध ने कई प्रश्नों के उत्तर भी टाले है, उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। और वो इसलिए नहीं दिया है कि लोग गुमराह हो सकते हैं, संभ्रमित हो सकते हैं और संभ्रमित होकर जीवन जी सकते हैं। और उसलिए उनको ये चाहते थे कि लोग संभ्रमावस्था में जीवन ना जिए। तो वो कौन सी अवस्था में जीवन जिए, तो वो एकदम मतलब उसको ये बोलते हैं, बोल सकते हैं कि वो एकदम जागृति का जीवन जिए। और वो जागृति के जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यक बातें हैं, वो बातें बुद्ध ने अपने धर्म में बताई है। और दूसरे धर्म में के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो दूसरे धर्म में लोगों को अजागृत करने की बातें बताई है। और उसलिए उन्होंने जो लोगों को अजागृत करने की बातें बताई है, वो विज्ञान से सुसंगत नहीं है। और बुद्ध ने बताई गई जागृति के साथ जीवन जीने की जो बातें बताई है, वो जागृति से जीवन जीने की बातें विज्ञान से मिलती जुलती है और विज्ञान के आधार पर खरी ठहरने वाली भी साबित होती है और लोगों को विकास के तरफ लेके जाने वाली भी सत्य साबित होती है। तो यही बात हिंदू धर्म के बारे में देख सकते हैं। और विश्व में जो अन्य धर्म है तो उनमें भी ये बातों इन बातों को हम चेक कर सकते हैं। और सही में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति विज्ञान विज्ञान को प्रस्तावित करने के लिए लगाई है या लोगों को अज्ञान के तरफ ले जाने के लिए लोग बातें बताई है, तो वो हम ढूंढ सकते हैं और ढूंढ कर उसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसका शोध लगा सकते हैं और शोध लगाकर हम उसके मुताबिक जीवन जी सकते हैं। लेकिन आखिर में तो मैं यही बोलूंगा कि बुद्ध धर्म विज्ञान से सुसंगत है और विज्ञान के आधार पर जीवन जीने के लिए ही लोगों को बातें बताता है। अन्य धर्म लोगों को विज्ञान की ओर ले जाने के लिए सही या खरे नहीं साबित हो सकते हैं। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा भी यहाँ पे हम रोक देते हैं। मतलब धर्म विज्ञान से सुसंगत होना चाहिए, ये मुद्दा मेरे ख्याल से जितना मैंने बताने का प्रयास किया उतना सुनकर आपके ख्याल में आया होगा कि विज्ञान माने क्या और विज्ञान से कौन सी बातें विज्ञान से जुड़ती है और कौन सी बातें विज्ञान से जुड़ती नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हमने क्या तो आगे बढ़ते हैं तो आगे बाबा साहब ये बताते हैं कि धर्म समता, स्वतंत्रता और बंधु भाव, ये जो तीन तत्व है, ये तीन तत्वों पर धर्म ने अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहिए, ऐसा बाबा साहब अपने ये इस लेख में बोलते हैं। तो धर्म ने समता सिखानी चाहिए, धर्म ने स्वतंत्र सिखाना चाहिए और धर्म ने भाईचारा सिखाना चाहिए। बंधुभाव मैंने बोला है मराठी में मेरे ख्याल से, तो भाईचारा ये हिंदी शब्द है। तो ये तीनों बातों पर धर्म ने अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा धर्म इन तीन बातों पर अपनी पूरी शक्ति लगाता है और कौन सा धर्म इन तीन बातों पर अपनी शक्ति नहीं लगाता है। तो समता के बारे में अगर हम सोचने का प्रयास करेंगे तो बौद्ध धर्म ही समता सिखाता है। इस विश्व में जितने धर्म है उन धर्मों में से एक ही धर्म ऐसा है कि वो समता सिखाता है। केवल समता ही सिखाता नहीं है, तो समता स्थापन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाता है और अपना पूरा धर्म उसमें झोंक देता है। कौन सा धर्म?
बौद्ध धर्म और अन्य जो धर्म है, अन्य धर्म समता स्थापन करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, वो लोगों में विषमता निर्माण करने की प्रयास करते हैं और लोगों में विषमता निर्माण करने के लिए वो शिक्षा दे विषमता निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। अभी तुलना में तो हमको तो यही दोनों धर्म की तुलना करना पड़ेगा, नहीं क्या? अभी कुछ लोगों को ये सुनकर थोड़ा भारी जाएगा, हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे लोग हैं, इन बातों का जब जिक्र किया जाता है तो उनको वो सुनते वक्त में जो थोड़ा सा भारी जाता है, लेकिन क्या करे, भारी भी जाता होगा या हल्का भी जाता होगा, लेकिन भारी हो या हल्का हो वो तो बताना ही पड़ेगा, अगर नहीं बताएंगे तो बात स्पष्ट नहीं होगी और स्पष्ट अगर नहीं होगी तो लोग वो समता के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, और उसलिए तो बात बताना ही पड़ेगा, तुलना तो करना ही पड़ेगा, और तुलना करना पड़ेगा तो अभी भारत के बारे में हम सोच रहे हैं, भारत के लोगों को ही मध्य रखकर बाबा साहब ने ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल लिखा था, तो भारत में हिंदू धर्म सबसे बड़े तौर पर माना जाता है, और भारत में अगर हिंदू धर्म बड़े तौर पर माना जाता है तो हिंदू धर्म की और बौद्ध धर्म की तुलना करना पड़ेगा, और फिर समता के बारे में हिंदू धर्म क्या बोलता है और बौद्ध धर्म क्या बोलता है ये तो बताना ही पड़ेगा, और जब ये बताते हैं तो हिंदू धर्म विषमता कैसे बताता है, हिंदू धर्म में विषमता कैसी है और हिंदू धर्म पूरी शक्ति वो विषमता निर्माण करने के लिए लगाता है, ये अगर देखने के लिए हम जाते हैं तो वही बात हमको करना पड़ेगा वर्ण व्यवस्था की, नहीं क्या? वर्ण निर्माण किए गए हैं और वर्णों के साथ फिर जातीयता निर्माण हो गई है, वर्ण है तो जातीयता निर्माण हो गई, और जातीयता इतनी निर्माण हो गई है तो भारत में कितनी जातियां होगी, तो मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था, आप सभी ने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से आप भी अभ्यासक लोग है, नहीं क्या? तो मंडल कमीशन के दायरे में, नहीं क्या, जो जातियां आती है तो 6472 जातियां आती है मंडल आयोग के दायरे में, और मंडल आयोग के दायरे में इतनी जातियां आती है, तो इतनी जातियां भारत देश में है, ये हमने देखना चाहिए, सोचना चाहिए, और उतनी जातियां कैसे निर्माण हुई, तो वो जातियां निर्माण करने में कौन सा धर्म कारणीभूत मतलब कारण है, ठहरता है, तो उसके लिए हिंदू धर्म में बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था बताई गई है, और केवल वर्ण व्यवस्था बताई नहीं गई है तो वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए वो पूरी शक्ति भी लगाता है, और जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए शक्ति लगाई जाती है वैसे वैसे धर्म में उन वर्णों पर आधारित जातियां निर्माण होती है, और जब जातियां निर्माण होती है तो जाति जाति में विषमता दिखती है, और जब जाति जाति में विषमता दिखती है तो एक जात दूसरे जाति के साथ द्वेष भावना से पेश आती है, और जब एक जात दूसरे जात से द्वेष भावना से पेश आती है तो उस देश में जिस देश में एक जात दूसरे जात के साथ द्वेष भावना से बर्ताव करती है या एक दूसरे से व्यवहार करती है तो ये यहाँ पे संघर्ष निर्माण होता है, और संघर्ष कहाँ ले जा सकता है, अब हम चिंतन कर सकते हैं, संघर्ष लोगों को दुख की ओर ले जा सकता है, और जहाँ संघर्ष नहीं वहां लोगों को सुख शांति प्रदान हो सकती है, तो हम चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि भारत में जो विषमता निर्माण हुई है वो विषमता कल भी थी, बाबा साहब ने वो नष्ट करने के लिए बहुत कोशिश भी की है, उन्होंने संविधान में कायदे भी बनाए हैं, और कायदे बनाने के बाद भी आज भी स्थिति जो की त्यों है, भारत का समाज जातियों में बटा हुआ है और भारत में एक जात दूसरे जात के साथ झगड़ा कर रही है, एक जात दूसरे जात का द्वेष कर रही है, और द्वेष द्वेष लोगों को एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए, मारझाड़ करने के लिए, एक दूसरे की जान लेने के लिए मजबूर हो रहा है समाज, और वो हो रहा है वो हम हमारे आंखों से देख भी रहे हैं, तो ये जाति व्यवस्था जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक हमारे भारत देश में समानता स्थापित नहीं हो सकती है, और समानता स्थापन करने के लिए जो सत्ता है वो सत्ता का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन सत्ता का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है, 71 साल हो रहे हैं अभी हम
भारत में स्वतंत्रता प्रदान स्वतंत्रता स्थापित हो गई है, और स्वतंत्रता स्थापित होने के बाद और मनुस्मृति का अध्ययन करने के बाद में जितने साल अभी बीते हैं, नहीं क्या आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था 25 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़ में मनुस्मृति का दहन किया था, क्योंकि ये जो मनुस्मृति नाम का ग्रंथ है जो हिंदू धर्म का जाना माना धर्म है ग्रंथ है, और ये जाने माने ग्रंथ में मनु ने क्या बताया है, तो मनु ने यह बताया है कि लोगों को मनु ने लोगों को एक दूसरे को झगड़े पर झगड़ा करने के लिए मजबूर किया है। उसके श्रुति में जो बातें बताया वो बातें एक दूसरे को झगड़ा करने के लिए ही बताती है, और वही झगड़े मनु के काल में भी हो रही थे। संविधान लागू हुआ उसके पहले भी वैसे ही चालू था और आज भी वैसे ही चालू है। आज संविधान लागू हो गया है, मनुस्मृति का पूर्णता मनुस्मृति को भारत देश ने नकार दिया है कायदे के मान से, लेकिन कायदे के मान से भले ही मनु के कायदे को नष्ट किया गया है, लेकिन फिर भी संविधान लागू होकर 71 साल का कालावधि बिताने के बाद भी हमारे देश में एक जात दूसरे जात के साथ झगड़ा कर रही है, और झगड़ा करने के लिए कौन सा धर्म जवाबदार होगा, तो वो हिंदू धर्म की बात नहीं हो सकता है भाई और बहनों। और उसने हिंदू धर्म में जो बातें बताई है वो बात लोगों ने अभी यह सोचा है कि हमने सुख से शांति से और आनंद से जीवन जीना चाहिए, ऐसा जिन जिन लोगों को लगता है उन लोगों ने अपने मन के अंदर जो जातीयता निर्माण हो गई है, जो विषमता का प्रमुख कारण है, वो अपने मन से निकाल देना चाहिए। मैं मन में निर्माण हुई है ये बता रहा हूँ। अभी धर्म ही ये बताता है कि एक जात दूसरे जात से अलग है, लेकिन विश्व के लोगों के तरफ अगर हम देखते हैं, नहीं क्या, तो भारत का व्यक्ति और भारत के बाहर दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति दोनों को अगर देखेंगे हम, तो दोनों तो लोग सरी के ही है। उसके उसके शरीर में भी लाल रंग का खून है, और भारत के बाहर के लोग व्यक्ति का भी खून लाल रंग का है, नहीं क्या। वो भी जिस तरह से जीता है, जैसे भारत का व्यक्ति जिस तरह से जीता है, वैसा विश्व के अन्य देश का व्यक्ति भी उसी तरह से जीवन जीता है। उसमें जो बात है वही बातें अन्य देश के व्यक्ति के साथ भी है। और अन्य देश के बारे में जाने दीजिए, दो व्यक्ति को अगर उनकी जात किसी को मालूम नहीं, ऐसे लोगों के सामने खड़ा किया जाए और उनको पूछा जाए, इसको देखो और इसकी जात क्या है ये बताओ, दूसरे को भी देखो और उसकी जात क्या है ये बताओ, उनकी जाति के बारे में किसी को भी मालूम नहीं, और ऐसे अज्ञान आदमी को अगर पूछा जाए तो आप उनको देखकर पहचानो और बोलो कि ये कौन सी जाति का और वो कौन सी जाति का है, तो वो बता नहीं सकता है, क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं। और जब क्योंकि उस वो दोनों में ऐसी कोई बात दिखती नहीं है जो उनको एक दूसरे से अलग साबित कर सके, तो ये बात कहाँ पे निर्माण होती है, जाति की बात कहाँ निर्माण होती है, तो मन में निर्माण होती है। अगर मुझे ये बताया या गया कि बोधि प्रकाश जी की जात क्या है, तभी मैं बोधि प्रकाश जी को समझ सकता हूँ कि ये जाति के व्यक्ति है। अगर उनके बारे में मुझे मालूम ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि बोधि प्रकाश जी ये जाति के या मैं वो जाति का हूँ। तो ये जो जाति की बात जो है, ये जाति की बात मन में निर्माण होती है, और जब तक ये मन से नहीं निकलती है, कितना भी कायदा हो, जैसे अभी कायदे के बारे में हमने अभी जिक्र किया है, कायदा कितना भी कठिन हो, कितना भी सख्त हो जाति व्यवस्था के बारे में, लेकिन वो कायदा लोगों के मन में जो बात निर्माण हुई है, वो मन में निर्माण हुई बात कायदा नष्ट नहीं कर सकता है। तो ये मन में निर्माण हुई बात कब नष्ट कैसे नष्ट हो सकती है, तो इसी तरह से नष्ट हो सकती है कि तुम भारत का आदमी भी देखो और विश्व के अन्य देश के आदमी
देखकर तुलना करो कौन सा आदमी कौन से जाति का है, और तुलना करने के बाद में देखने के बाद में अगर आपको ये नहीं दिख मालूम हो सकता है कि ये कौन से जाति का और वो कौन से जाति का है, तो ये जातियाँ जो निर्माण की है वो सत्य पर आधारित नहीं है, वो गलत बातें हैं। तो ये जब जब अपने मन से और लोगों के मन से बाहर निकलेगी ये बात जाति की, तभी समानता निर्माण हो नहीं सकती है। हाँ, इस विश्व में दो दो जातियां है, इस विश्व में दो जातियां है, दो लोगों को पहचाना जाता है, एक आदमी काला है और एक आदमी अगर गोरा है, और दोनों को अगर साथ में खड़ा रखा जाए और पूछा जाए ये आदमी कैसा है वो आदमी कैसा है, तो उनका रंग देखकर ये बता सकते हैं कि ये गोरे रंग का है और ये काले रंग का है। और फिर भी दूसरी भी एक बात हम देख सकते हैं व्यक्ति व्यक्ति में असमानता के संदर्भ में, तो पुरुष और महिला इनमें हमको थोड़ी सी असमानता दिखती है, लेकिन वो असमानता नहीं है। व्यक्ति के तौर पर अगर हम दोनों को देखते हैं, महिला को और पुरुष को, तो महिला और पुरुष दोनों एक व्यक्ति के नाते दोनों भी समान है, उसको भी भावना है, उसको भी भावना है, पुरुष को भी भावना है और महिला को भी भावना है। पुरुष को भी ऐसा लगता है कि मुझे सुख शांति समाधान मिलना चाहिए, महिला को भी लगता है कि मुझे भी सुख शांति समाधान मिलना चाहिए। पुरुष को भी ऐसा लगता है कि मुझ में जो बातें है वो महिला में भी है, और महिला को भी ये लगता है कि मुझ में जो बातें है वो पुरुष में भी है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, और ये थोड़ा से अंतर से उनकी जाति उनको वो जाति में उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति के तौर पर हम दोनों को भी शरीर का ही देख सकते हैं और दोनों एक जैसे है ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ, जातियां दिखती है, किसमें दिखती है? पशुओं में दिखती है भाइयों। पशुओं में कैसी जात दिखती है? बकरी को देखकर हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये बकरी है, भैंस को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये भैंस है, नहीं क्या? कुत्ते को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि ये कुत्ता है, नहीं क्या? हाथी को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये हाथी है। मतलब प्राणियों में जातियां दिखती है, क्योंकि उनका रंग रूप और आकार अलग अलग है, नहीं क्या? अगर हम पेड़ों की तरफ जाते हैं तो पेड़ों में भी हमको जातियां दिखती है, नहीं क्या? कौन सी जातियां दिखती है? ये बेर का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये अमरुद का पेड़ है, या ये सेब का पेड़ है, या वगैरह वगैरह। लेकिन उनके वैशिष्ट्य भी अलग अलग है, और उनके वैशिष्ट्य अलग अलग है क्योंकि उनको फल अलग अलग लगते हैं, वो अलग अलग उनको देखने के बाद भी हमको दिखते हैं। लेकिन पुरुष को कहाँ का भी पुरुष देखो, नहीं क्या? पुरुष बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, व्यक्ति बोल रहा हूँ, व्यक्ति कहाँ का भी आप देखो, तो वो देखने के बाद में उसको हम पहचान नहीं सकते। जैसे पेड़ को देखने के बाद हम पहचान सकते हैं, जानवर को देखने के बाद हम पहचान सकते हैं। तो ये कहाँ निर्माण हो रहा है, ये जाति और वो जाति? तो ये मन में निर्माण हो रही है, और ये समानता प्रस्तापित नहीं कर सकती है। समानता तभी प्रस्तापित हो सकती है हम मेरे जैसा वो भी है, उसके जैसा मैं हूँ, ऐसा हम जब देखेंगे तभी समानता प्रस्तापित हो सकती है। और समानता प्रस्तापित होगी तभी समाज में सुख शांति समाधान निर्माण हो सकता है, वरना समाज में सुख शांति समाधान निर्माण नहीं हो सकती है। स्वतंत्रता के बारे में भी हम अगर देखेंगे तो समाज में लोगों को स्वतंत्रता दी नहीं जा रही है, नहीं क्या? कल तक मनु का कायदा था, तब तक भी लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। आज भी संविधान लागू हुआ है, और संविधान लागू होने के बाद में संविधान में कायदे किए गए हैं, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, नहीं क्या? लोगों को वो वर्णों के दृष्टि से देखा जा रहा है, और वो दृष्टि से देख कर ही उसको वैसा उसके लिए परिस्थिति निर्माण की जा रही है, और परिस्थिति निर्माण करके वो उसने वही करना चाहिए और उसने वही करना चाहिए, नहीं क्या? ब्राह्मण वर्ण का आदमी है तो उसने ये करना चाहिए, और उसके लिए वो स्वतंत्र है, और अगर निचले वर्ण का आदमी है तो उसने उसके वर्ण में जो बताया गया वही उसने करना चाहिए, और उसके लिए उसको मजबूर किया जा रहा है। एक इंसान के हैसियत से, व्यक्ति के हैसियत से, ये वर्ण के व्यक्ति ने वो वर्ण का काम भी कर सकता है, और वो वर्ण का काम निचले वर्ण के व्यक्ति के जैसा भी कर सकता है, और ऐसा अगर उनको स्वतंत्रता दी जाए तो वो स्वतंत्रता से वो
ऊपर के लेवल पर भी जा सकता है और नीचे के लेवल पर भी आ सकता है। अगर गलत काम करता है तो नीचे के लेवल पर आ सकता है और अच्छा काम करता है तो ऊपर के लेवल पर जा सकता है। लेकिन यहाँ वैसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, और वैसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है उसलिए हमारे देश में वो भारत देश में स्वतंत्रता के आधार पर समाज अभी तक भी निर्माण नहीं हो सका है। और समाज जब तक स्वतंत्रता के आधार पर निर्माण नहीं हो सकता है और नहीं निर्माण किया जाता है, तब तक समाज में हम जो अपेक्षा करते हैं समाज में निर्माण होने की, वो अपेक्षा की पूर्तता नहीं हो सकती है। भाईचारे के बारे में देखा गया है नहीं क्या, हम देख रहे हैं नहीं क्या, और वो भाईचारा समाज में दिखने को ही नहीं मिलता है। भाईचारा अगर होता तो लोगों के खून किए नहीं जाते थे, जाते थे महिलाओं पर बलात्कार नहीं किए जाते थे, लोगों को लिंचिंग के माध्यम से मारा नहीं जा सकता था। और लोग जो परेशानी में जीवन जी रहे हैं, उतनी परेशानियां भी उनको झेलने की जरूरत नहीं पड़ती थी अगर भाईचारा निर्माण किया गया होता तो भाईचारा समाज में निर्माण ही किया जा रहा है। उल्टा समाज में समाज बटेगा कैसे, नहीं क्या, एक एक दूसरे में समाज के दूर कैसे जाएगा, वैसी परिस्थिति निर्माण की जा रही है। और वैसी परिस्थिति निर्माण करते करते ऐसी परिस्थिति निर्माण की गई है, और ये निर्माण की गई है परिस्थिति, नहीं क्या, मतलब जो झगड़े की परिस्थिति जाति जाति में, समाज समाज में, धर्म धर्म में, नहीं क्या, धर्म को ऐसा बोला जाता है, सर्व धर्म धर्म समभाव पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, स्कूलों में हम पढ़ते हैं, ये सब तो सिर्फ पढ़ने के लिए ही बातें होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में समाज में हमको अलग चित्र दिखने को मिलता है, नहीं क्या, एक एक धर्म दूसरे धर्म के साथ झगड़ा कर रहा है, और एक जात दूसरे जात के साथ झगड़ा कर रही है, और एक जात दूसरे जात को मारने के लिए तैयार है, और एक धर्म दूसरे धर्म को मिटाने के लिए तैयार है, और मिटाने की कोशिश अपने हमारे भारत देश में हो रही है, नहीं क्या, एक ही धर्म का वर्चस्व दिखाया जा रहा है, जबकि हमारे भारत में धर्म का स्वीकार किया है, हमारे संविधान ने भी धर्म निरपेक्षता का जिक्र हुआ है, लेकिन परिस्थिति तो हम वैसी देख नहीं रहे, परिस्थिति तो हमको दूसरी दिखने को मिल रही है, और ये परिस्थिति क्यों दिखने को मिल रही है, तो भाईचारा निर्माण करने के लिए कोशिश ही नहीं की गई है। तो भाईचारा निर्माण करने के लिए कोशिश नहीं की जा रही है, और लोगों में झगड़ा और लोगों को एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के लिए मजबूर करने की परिस्थिति निर्माण की जा रही है, और उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं। तो बुद्ध क्या चाहते थे कि समाज में समता निर्माण हो, स्वतंत्रता निर्माण हो, नहीं क्या, और भाईचारा निर्माण हो, बुद्ध ये चाहते थे। और दूसरे धर्म क्या चाहते हैं, तो समाज में विषमता निर्माण हो, समाज में मतलब गुलामी स्थापित हो, और समाज में झगड़ा निर्माण हो, समाज में झगड़ा निर्माण हो, ऐसे दूसरे धर्म चाहते हैं। और दूसरे धर्म में कौन से धर्म का प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि वही हमारे भारत देश में रूलिंग धर्म है, नहीं क्या, जो भारत देश में आज की स्थिति में रूलिंग धर्म है, वो रूलिंग धर्म ये ऐसी परिस्थिति निर्माण करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है, और इसलिए हमारे भारत देश में भाईचारा भी निर्माण नहीं हो रहा है, समता भी स्थापन नहीं हो रही है, और स्वतंत्रता भी लोगों को नहीं प्राप्त हो रही है। अपने अपने धर्म के तत्वों का पालन करके स्वतंत्रता से जीने के लिए परिस्थिति हमारे भारत देश में अनुकूल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को आप अच्छी तरह से सुनिए और उस पर चिंतन भी कीजिए कि लोगों को स्वतंत्रता से जीवन जीने की परिस्थिति हमारे भारत देश में निर्माण की नहीं जा रही है, और उसलिए हमारे भारत देश में कई समस्या निर्माण हो गई है, नहीं क्या, आतंकवाद, नक्सल
आतंकवाद, दहशतवाद, नहीं क्या शोषणवाद, ये सब, और बेकारी, भूखमरी, नहीं क्या, ये सब जो समस्याएं हम देख रहे हैं, ये समस्या का मुख्य कारण भाइयों और बहनों धर्म है। धर्म के सिवाय दूसरा कोई भी कारण नहीं है। धर्म ने ये बातें निर्माण की है। कौन सी बातें? तो बेकारी, भूखमरी, आतंकवाद, दहशतवाद, नक्सलवाद, नहीं क्या शोषणवाद, भूखमरी, कुपोषण, दरिद्रता, ये सब कौन सी बात की देन है? तो ये सब धर्म की देन है, क्योंकि धर्म ने स्वतंत्रता स्थापित नहीं की है, समता स्थापित नहीं की है, और धर्म ने भाईचारा भी निर्माण नहीं किया है, और ये नहीं किया है उसने ये समस्या हमारे को मिलती है, और वो जब तक रहेगी ये समस्या, तब तक हमारा देश और हमारे देश के लोग सुख से, शांति से है। और इसलिए बुद्ध ने ये परिस्थिति को पूरी तरह से मिटाना चाहिए, और वो परिस्थिति को मिटाना चाहिए ये समझकर बुद्ध ने अपनी पूरी शक्ति समता स्थापन करने के लिए, समानता स्थापन करने के लिए, समता स्थापन करने के लिए और भाईचारा निर्माण करने के लिए अपनी पूरी शक्ति खर्च की है। बुद्ध ने मित्रता सिखाई है, बुद्ध, और ये मित्रता मनुष्य ने मनुष्य के साथ ही निर्माण करना चाहिए। ऐसा नहीं बुद्ध ने सीमित मित्रता सिखाई है, ऐसी सीमित मित्रता बुद्ध ने नहीं सिखाई है। बुद्ध ने मित्रता विशालता के रूप में सिखाई है। पुरुष है तो पुरुष, प्राणी है तो प्राणी के साथ भी मित्रता से पेश आओ, वनस्पति है तो वनस्पति के साथ भी मित्रता से पेश आओ, जंतु है या और कोई जीव है उसके साथ भी मित्रता से पेश आओ। और ये मित्रता से पेश आने के लिए बुद्ध क्यों सिखाते हैं? तो मित्रता जब तक समाज में निर्माण नहीं होती है, मनुष्य मनुष्य में, प्राणियों में या और लोगों में, तब तक समाज सुख से, शांति से और समाधान से नहीं जी सकता है। और इसलिए अगर धर्म के बारे में गंभीरता से देखा जाए या चिंतन किया जाए, तो ये सब बातों के लिए सिर्फ एक ही धर्म सत्य साबित होता है, वो बुद्ध का धर्म है। बुद्ध के धर्म के सिवाय दूसरा धर्म सत्य साबित नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट बाबा साहब ने जो बताया, वो अगला पॉइंट आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। और अगला पॉइंट है, बाबा साहब इसमें लिखते हैं कि धर्म ने निर्धनता का समर्थन नहीं करना चाहिए। धर्म ने निर्धनता का समर्थन नहीं करना चाहिए, और बुद्ध भी निर्धनता का समर्थन नहीं करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको इस विषय के संबंध आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। आप सभी को मालूम है अनाथ पिंडक का नाम, उसको अनाथ पिंडक इसलिए बोला जाता है कि वो बहुत दान करते थे, और वो दान करते थे, उनका नाम अनाथ पिंडक हो गया। लेकिन उनका ओरिजिनल नाम क्या है? उनका ओरिजिनल नाम सुदत्त है, नहीं क्या? तो ये सुदत्त अनाथ पिंडक भगवंत के पास जाते हैं और भगवंत को याचना करते हैं। भगवंत को वो बहुत ही दान देते थे वगैरह वगैरह, विहार बना के दिए, जेतवन उन्होंने खरीद के दिया। ये सब बातें करने के बाद में अनाथ पिंडक को ये लगता है कि मैं भिक्षु क्यों ना हूं, मैंने भिक्षु होना चाहिए, ऐसा उनके दिल में बात निर्माण होती है। और ये बात निर्माण होने के बाद में वो बुद्ध के पास जाते हैं, बुद्ध को वंदन करते हैं, वंदन करने के बाद में उनका हालचाल पूछते हैं, और हालचाल पूछने के बाद में फिर बुद्ध को वो याचना करते हैं कि भगवंत मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भिक्षु की दीक्षा लेना चाहिए, आप मुझे भिक्षु की दीक्षा दीजिए। तो बुद्ध क्या बोलते हैं उसको, अनाथ पिंडक को, सुदत्त को? तो सुदत्त, तुम जिस तरह से जीवन जी रहे हो वो एक भिक्षु से भी बढ़कर जीवन जी रहे हो। भिक्षु ने जो करना चाहिए उससे भी अच्छा काम आप कर रहे हो, और उससे भी अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए आप जिस तरह से संपत्ति निर्माण कर रहे हो, संपत्ति प्राप्त कर रहे हो, श्रीमंती प्राप्त कर रहे हो, वो श्रीमंती प्राप्त करने के लिए आप प्रामाणिकता का इस्तेमाल कर रहे हो। प्रामाणिकता का इस्तेमाल करके, नहीं क्या, सदाचार का आचरण करके आप बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर रहे हो, और वो संपत्ति खुद के लिए,
उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो समाज के विकास के लिए उसका आप उपयोग कर रहे हो, और ये काम भिक्षु से भी बढ़कर काम है, और ये काम भिक्षु से बढ़कर है, इसलिए आप भिक्षा मत लीजिए। आपको भिक्षु होने की जरूरत नहीं है, आप भिक्षु मत बनिए, आप जो काम अभी तक कर रहे हैं वही काम आगे चल के भी कीजिए। तो बुद्ध जो श्रीमंती है वो श्रीमंती का क्या करते हैं, समर्थन कर रहे हैं, और वो दरिद्रता का समर्थन नहीं करते है। उन्होंने कभी ये नहीं बताया है उनका धर्म, अगर धम्म अगर हम पढ़ते हैं और धम्म में हम जो जो बातें पढ़ते हैं उसमें हमको ये पढ़ने को नहीं मिलता है कि बुद्ध ने दरिद्रता का या गरीबी का समर्थन नहीं किया है। हाँ, बुद्ध ने ये बताया है एखादे श्रीमंत व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति दान करके गरीब के हैसियत से जीवन जीना चाहता है बौद्ध धर्म के मुताबिक, नहीं क्या, बौद्ध धर्म का आचरण करके गरीब होकर जीवन जीना अगर वो चाहता है तो अपनी संपत्ति दान दे सकता है और ये गरीब के हैसियत से जीवन जी सकता है, ऐसा बुद्ध ने उसका समर्थन किया है। लेकिन बुद्ध ने ये समर्थन नहीं किया है कि गरीब आदमी ने गरीब ही रहना चाहिए। वो तो ये बोलते हैं कि गरीब आदमी ने सदाचार पर आधारित काम करके, सदाचार में जो 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 भी कर्म बैठते है ऐसे कर्म करके अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहिए, अपनी श्रीमंती बढ़ाना चाहिए, श्रीमंती बढ़ाने का वो समर्थन करते हैं। तो ये हो गई बुद्ध धर्म की बात। लेकिन अन्य धर्म के बारे में अगर हम सोचते हैं तो अन्य धर्म क्या कर रहे हैं, अन्य धर्म की बात छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म क्या कर रहा है, हिंदू धर्म तो गरीबों को गरीब करना चाह रहा है, और गरीबों को गरीब करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है, और उसलिए हम देख सकते हैं स्वतंत्रता भारत जिस दिन स्वतंत्र हुआ उस दिन भारत में दरिद्रता रेशा के यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जीवन जीने वाले लोगों की जितनी संख्या थी 71 साल का वक्त गुजारने के बाद हमको यह दिखता है कि आज ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की जो संख्या है वो दोगुना हो गई है, दोगुना हो गई है। मतलब ये बात हमको देखने को मिलती है कि गरीबी दोगुना बढ़ गई है। और श्रीमंतों के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो कल चल के जिसके पास, मतलब कुछ साल पहले जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति थी वो आज अरबों की संपत्ति उसके पास हो गई है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, नहीं क्या, जब हमारे भारत में, भारत ने समता स्वतंत्रता और बंधुभाव को स्वीकार किया है तो हमारे भारत देश में इतनी बड़ी विषमता निर्माण नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी बड़ी विषमता हम देख रहे हैं। अमीर अमीर होते हुए हम देख रहे हैं और गरीब गरीब होते हुए हम देख रहे हैं। तो गरीबों को श्रीमंत करने के लिए परिस्थिति ही निर्माण की नहीं जा रही है, और श्रीमंत ने और श्रीमंत होना चाहिए ऐसी परिस्थिति निर्माण की जा रही है, और उसलिए इतनी बड़ी जो हमारे भारत देश में श्रीमंती की और गरीबी की जो स्थिति है वो इतनी बड़ी हमको देखने को मिलती है। और वो इतनी बड़ी जब हम आज भी देख रहे हैं 71 साल के कालावधि गुजरने के बाद भी, तो उस पर से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और कौन सा निष्कर्ष लगा सकते हैं कि जो सत्ता 71 साल यहाँ पे सत्ता का इस्तेमाल किया गया है वो सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बात के लिए किया गया है, और वो बात कौन सी, तो गरीबी की, गरीबों को और गरीब गरीब बनाने की परिस्थिति जिन जिन मतलब पार्टियों ने हमारे भारत देश में सत्ता का इस्तेमाल किया है उन पार्टी ऐसी परिस्थिति निर्माण की है। अगर उन्होंने हमारे संविधान में बताई गई बातों को मध्य रखकर और उसकी खर्च की होती तो 71 साल के बाद में हमारे भारत देश में परिस्थिति हमको दूसरी देखने को मिलती, कौन सी देखने को मिलती, तो जो गरीब थे वो श्रीमंत हुए हुए हमको दिखते थे, दिख सकते थे, और जो श्रीमंत है वो श्रीमंत गरीब की जो श्रीमंती की अवस्था है वो अवस्था पर आए है ऐसा हमको देखने को मिलता है। इसका अर्थ यह है कि वो जो श्रीमंती की जो स्थिति है वो स्थिति निर्माण करने के लिए शासन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई है, तो वैसी शक्ति लगाई गई नहीं है। तो हम इतने दिनों से देख रहे हैं और अभी अभी
ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने हमको बताया है कि पूरे लॉकडाउन के पीरियड में दिल्ली टीम ने ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम का प्रोग्राम को जारी रखा है और आगे चल के भी ये ऑनलाइन का प्रोग्राम जारी रहने वाला है, वो जारी रखेंगे। और ये प्रोग्राम को जारी रखने के लिए पैसे की जरूरत होती है भाइयों, और पैसा अगर दान से प्राप्त होता है तो दान से प्राप्त हुआ पैसा ही ऐसे विधायक कार्यों के लिए खर्चा किया जा सकता है और ऐसे विधायक कार्य को आगे चल के भी जारी रखा जा सकता है। तो दान लोगों ने देना चाहिए, दान का अपील भी किया जा रहा है, मैं वो भी सुन रहा हूँ। और दान के बारे में बौद्ध धर्म में भी बहुत अच्छा बड़ा सिखाया है, ठीक है, दान दान करना चाहिए ऐसा बौद्ध धर्म में सिखाया गया है। तो लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है, मेरे साथ आप सभी को क्या क्या लगता है कि अगर हम दान करते रहेंगे तो हमारे पास जो धन है वो धन क्या होगा, घटेगा, नहीं क्या, उसमें कटौती निर्माण होगी। लेकिन वैसी बात नहीं है भाइयों और बहनों, दान करने से धन घटता नहीं है। उसके लिए उसके बारे में एक दोहा मैं आज को आपको बताने वाला हूँ, वो मैं कल ही बताने वाला था, आज दूसरा दोहा बताने वाला था, लेकिन कल का दोहा रह गया है, आपको मालूम है वो क्यों रह गया है? तो दान के बारे में कबीर जी ने दोहा बताया है, और आपको मालूम है मैंने पहले दिन भी बताया था मेरे ख्याल से कौन से तो भी दिन, कि बाबा साहब के तीन गुरुओं में से एक गुरु कबीर जी है, और जो कबीर जी है वो आपके क्षेत्र से संबंधित है, नहीं क्या, और आपके क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए आपको उनके कार्य के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है। मुझे मुझे जितनी नहीं है उतनी आप लोगों को जानकारी अच्छी है, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र आपका कार्यक्षेत्र है। और वो दान के बारे में क्या बोलते हैं, वो दोहा आपको बताता हूँ और मेरा प्रवचन समाप्त करता हूँ। तो वो दोहा ऐसा है, चिड़िया भरचोज ले गई नदिया घटे न नीर। क्या बोलते हैं कबीर जी अपने ये दोहे में, बोधि प्रकाश जी ये दोहे में कबीर जी क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। या, तो, बहुत पसंद है मुझे ये। हाँ, चिड़िया भरचोज ले घटे न नीर, दान कीजिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। तो भाइयों और बहनों, धर्म के कार्य के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक घंटा तक सुना है, ठीक है, और एक घंटे का समय का दान अपने आप लोगों ने मुझे दिया है, और वो दान का मैंने पुण्यानुमोदन करना चाहिए। इसलिए आपने जो समय मुझे सुनने के लिए दान दिया है, वो दान का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ, और उसी के साथ दिल्ली और दिल्ली टीम को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो दिल्ली टीम का नेतृत्व तो दिल्ली टीम और बोधि प्रकाश जी, इनका भी मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आप लोगों के साथ मेरे विचार शेयर करने के लिए मुझे परिस्थिति अनुकूल कर दी है, नहीं क्या, और वो परिस्थिति अनुकूल कर देने के लिए मैं दिल्ली टीम का और ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी का पुण्यानुमोदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है आज किसी प्रकार का व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में नहीं आया है, क्योंकि ये जो जगह है ये मेरा घर है, और मेरे घर में मैं मुझे जैसी परिस्थिति चाहिए वैसी परिस्थिति निर्माण कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा घर है, नहीं क्या। जो धर्म के बारे में बताया है ना मैंने, कि मेरा धर्म कैसा भी हो वो मेरा धर्म है, नहीं क्या, मेरे घर के कुएं का पानी कितना भी खारा हो लेकिन वो कुआ मेरे घर का है, उसलिए मैंने पीना ही चाहिए, वह जाने दीजिए, लेकिन ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं मेरे दिल के मुताबिक परिस्थिति निर्माण कर सकता हूँ, और वैसी परिस्थिति में यहाँ पे निर्माण की है, इसलिए मैं आपके साथ में अच्छी तरह से किसी भी प्रकार का व्यत्यय न आते हुए आपके साथ एक घंटा करीबन मैंने संपर्क किया है, आपके साथ मेरे विचार शेयर किए है। तो इन सभी बातों को आपके सामने रखकर मैं मेरा प्रवचन समाप्त करता हूँ, लेकिन आखिर में ये दोनों व्यक्ति जिन लोगों ने मेरा स्वागत किया है, मैं उनके नाम लिख के रखे हैं आज, क्योंकि वो ये आप लोगों के उधर के नाम थोड़ा हमारे लिए कठिन होते हैं याद रखने के लिए एक घंटा,
उनके नाम मैंने लिख के रखे है, कमला बौद्ध, नहीं क्या धम्म मित्र कमला ताई बौद्ध, हमारे मराठी में ताई बोला जाता है, उधर बहन बोला जाता होगा नहीं क्या, लेकिन गुजरात में ज्यादा बोला जाता है बहन, शीला बेन वगैरह बेन नहीं क्या, तो उधर भी बहन अगर बोला तो आपको अच्छा ही लगे। तो कमला बहन ने मेरा पुष्प गुच्छ दे के स्वागत किया, उसकी उनका मैं पुनर्मोदन करता हूँ। विमलेंद्र नहीं क्या धर्मित्र, हाँ तो धर्मित्र विमलेश बौद्ध, उन्होंने भी मेरा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया है, और वो स्वागत जब उन्होंने किया तो मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा, तो उनका भी मैं पुनर्मोदन करता हूँ और यहाँ पर रुक जाता हूँ। जय भीम, जय भारत।